दोस्तों, एक अति महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है। क्या आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ज्योतिष घर को? अगर नहीं किया है और साथ में जो आपको ये बेल दिखे इसे प्रेस करना ना भूलें। होगा क्या, हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस बनाई जाएंगी वो सबसे पहले आपको इनबॉक्स में नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लगेंगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोचर की, और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोचर है वह है बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि समस्त राशियों पर और लग्न राशियों पर 2019 में बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो आज थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि हम सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हमारी आए बने उस तत्पश्चात आपके इनबॉक्स में आपको पता लग जाए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि देवताओं के जो गुरु हैं उन्हें बृहस्पति कहते हैं, और दानवों के गुरु को शुक्र कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति की। गुरु ज्ञान के सलाह के दाता हैं। बड़े बुजुर्गों वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा गुरु की कृपा से ही संभव है। यदि आपका गुरु अच्छा है तो आपके ऊपर आपके बुजुर्गों का आपके अधिकारियों का हमेशा विशेष कृपा बनी रहेगी। यदि आपकी कुंडली में गुरु शुभ है तो आपको विकट परिस्थितियों में भी सहयोग मिलता रहेगा, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो मकर राशि में इन्हें निकृष्ट माना जाता है, अर्थात नीच का माना जाता है। सूर्य चंद्रमा व मंगल के साथ इनकी दोस्ती है, मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ ये शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु केतु व शनि के साथ इनका तटशत संबंध है, अर्थात एवरेज का संबंध है। बृहस्पति देव किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपके शत्रु के फॉर्म में है तो बृहस्पति देव उसे एक अच्छा रिश्ता उसके साथ निभाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं विस्तार से कि गुरु गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन से जातक के जीवन पथ में अनेक परिवर्तन होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सभी का कहना है। वर्ष 2018 में जो ये वर्ष चल रहा है, गुरु जो है 11 अक्टूबर को रात्रि 8:45 से तुला राशि से वृषिक राशि में प्रवेश करेंगे और कर चुके हैं, तथा इस राशि में 30 मार्च 2019 शनिवार रात्रि 3:20 तक इस राशि में भ्रमण करेंगे, अर्थात गोचर करेंगे, मूवमेंट करेंगे। इसके बाद गुरु धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल 2019 तक धनु राशि में ही भ्रमण करेंगे। गुरु धनु राशि में 9 अप्रैल से वक्री हो जाएंगे और 24 अप्रैल को वक्री अवस्था में ही वृश्चिक राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। अब देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है गुरु का। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जन्म कुंडली में यदि आपकी राशि मेष है या लग्न आपका जो है वो मेष है, तो 11 अक्टूबर 2018 से गुरु आपके भाग्य तथा व्यय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अतः आपके भाग्य वृद्धि में रुकावट आएगी। किसी भी कार्य को यह कहकर ना छोड़ें कि यदि भाग्य होगा तो हो जाएगा, जैसा हम अक्सर करते हैं। आपको सफलता के लिए बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत के सहारे आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। गुरु के गोचर से धन हानि भी आपको हो सकती है, तो जो कहीं पे इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, या अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों को आप उधार देने की सोच रहे हैं, तो 2-3 बार सोचे जरूर। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी आपको रखनी है, जल्दबाजी में आपको कोई फैसला ना लें। आप तंत्र मंत्र धार्मिक आस्था आपकी विश्वास बढ़ेगा। जमीन जायदाद की खरीद बिक्री आप कर सकते हैं,
और आपके पिताजी से आपके मन मुटाव हो सकते हैं और पत्नी से धन लाभ यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप पत्नी के नाम पर लोन भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम वृष राशि की अर्थात टॉरस। जैसा कि आप जानते हैं 11 अक्टूबर 2018 से गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। गुरु लाभ और मृत्यु भाव का स्वामी होकर इस स्थान से लाभ लग्न तथा भ्राता भाव को देखेगा। अतः यदि शादीशुदा हैं तो पत्नी से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही अष्टमेश होने के कारण दाम्पत्य जीवन में कलह तथा अविश्वास का समावेश भी होगा, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह विच्छेद तक की उत्पत्ति हो सकती है, अर्थात ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स जैसी कंडीशन भी आपकी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना है, मनमुटाव नहीं करना है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा है या चलाने की कोशिश सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। थोड़ी देर से ही सही सफलता आपको इस वर्ष जरूर मिलेगी। बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी की मदद से लाभ का योग आपका इस वर्ष बन रहा है। तो गुरु के गोचर के समय व्यवसाय, नौकरी, धन से जुड़े मामलों में सोच समझ कर फैसला लेने में ही आपकी बुद्धिमानी होगी। चलिए अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की और मिथुन लग्न की। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर छठे भाव में हो रहा है। गुरु सप्तम तहत दशम कर्म भाव का स्वामी होकर आपके छठे भाव में गोचर करेगा। सप्तमेश होने के कारण पत्नी से झगड़ा या पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च आपको करना पड़ सकता है। यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य आप कर रहे हैं तो सावधान रहे, पैसे को लेकर आपका मनमुटाव हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। इस समय शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, अतः सतर्क रहें, स्वयं संयम के साथ काम लें और इस हर मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें तो आपकी जो समस्या है उन सभी का समाधान होगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि तथा कर्क लग्न वाले जातक की कुंडली में गुरु का गोचर पांचवें भाव में हो रहा है। पंचम भाव धन, लक्ष्मी, संतान, प्यार, बुद्धि, शेयर मार्केट, उत्पादन इत्यादि का भाव है। अतः आपको इन्हीं विषयों से संबंधित फल की प्राप्ति होगी। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। गुरु आपके सप्तम व नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जो गुरु है वो संतान का कारक है, पुत्र का कारक है और घर में खुशियों का माहौल आकस्मिक आपके आज पड़ेगा। प्यार में ब्रेकअप या मनमुटाव हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े और मनमुटाव से आप दूर रहें। और अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जातक हैं, तो आपकी प्रमोशन के चांसेस भी आपको यहां पे दिख रहे हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक के लिए गुरु आपकी राशि से पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। अतः इस कारण यदि आप नया घर लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि कोई पहले से प्रॉपर्टी है तो उसे बेच सकते हैं और उसका पैसा नई प्रॉपर्टी में आप लगा भी सकते हैं। नौकरी तथा जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपके लिए अनुकूल समय है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम जरूर क्लियर होंगे। तो चौथा भाव है वो बंधु भाव, माता का भाव, वाहन इत्यादि का भाव है। अतः अष्टमेश का इस भाव में गोचर होने से माता को कष्ट हो सकता है, तो आपको अपनी माता का जरूर ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि कोई घटना हो सकती है। तो अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना शुरू कीजिए और सीट बेल्ट जरूर बांधें। मित्र और रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव हो सकता है, अतः अपने व्यापार में, व्यवहार में कटुता ना रखें, एक प्यार वाली भावना जरूर रखें।
बाकी आपका समय जो है बहुत संयम से चलने वाला है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक व्यक्ति के लिए गुरु आपकी राशि में चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और इस समय आपकी भागदौड़ बढ़ सक जाएगी। व्यवसाय को लेकर आप बार बार यात्रा करनी पड़ेगी आपको, कभी इस स्थान पे हैं, कभी दूसरे स्थान पे हैं, तो एक उदासीनता एक आएगी आप में। इस समय आपको अपने व्यवसाय से लाभ तथा व्यवसाय को विस्तार करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईमानदारी और परिश्रम आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अपने कार्य में लापरवाही ना बरतें, यदि ऐसा सकते हैं तो आपका प्रमोशन रुक सकता है। अतः अपने कार्य का विशेष ध्यान दें, कार्यस्थल पर व्यर्थ की बातें करने से बचें, किसी भी कॉन्स्पिरेसी में ना फंसें। अपनी सेहत का विशेषकर अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको आ सकती हैं। घर से दूर जाने का योग बन रहा है, आप बुद्धि चातुर्य और परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने में सफलता प्राप्त करेंगे, इसलिए मेहनत अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, बेचौर कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए अब देखते हैं तुला राशि। यदि आप तुला राशि के जातक हैं या लग्न है आपका, तो इस समय गुरु आपकी राशि से तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी होकर दूसरे अर्थात धन भाव में गोचर कर रहा है। अतः धन प्राप्त करने के लिए आपको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। धन भाव में गुरु का होना शुभ संकेत दे रहा है, इस दौरान आप ब्याज के रूप में पैसों का संचय कर सकेंगे। अपने व्यवसाय को विस्तार देने के लिए लोन भी आप ले सकते हैं और विरासत में प्राप्त धन का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इस समय आपका रुका तथा धन वापस मिलने का पूर्ण योग है, यदि आपने किसी को दिया हुआ है तो वो आपको जरूर मिलेगा। कोई भी निवेश आपको बहुत ही सोच समझकर करना है, जल्दबाजी में आपको फैसला नहीं लेना है। गुरु के गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है, वाणी दोष के कारण आपस में मनमुटाव हो सकता है, तो आपको जो भी बोलना है अपने मुख से बहुत ही सोच समझकर बोलना है। बाकी आपका जो साल है वो बहुत ही अच्छा है, इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी आपको समय पर मिलेगा। आइए अब देखते हैं वृषक राशि के लिए। यदि आप वृषक राशि या लग्न के जातक हैं, तो इस समय गुरु आपकी राशि से द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होकर लग्न भाव में संचार कर रहा है। अतः इस समय आर्थिक वृद्धि का प्रबल योग बन रहा है, यानी कि फाइनेंशियल आप स्ट्रांग होंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, जो कई साल से रुके हुए जो नहीं हो रहे हैं वो सभी पूर्ण होंगे। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह करना चाह रहे हैं तो आप अपना प्रयास तेज कर दीजिए, रिश्ते ढूंढिए, इस साल आपको पत्नी का सुख आनंद जरूर मिलेगा। दूसरा, यदि आप संतान सुख से वंचित हैं, आपको संतान नहीं हो रही है, संतान में बाधा उत्पत्ति हो रही है, तो संतान की इच्छा है तो अवश्य ही आपके घर में नन्हा बच्चा आएगा। यदि जन्म कुंडली संतान सुख की कमी है तो संतान गोपाल स्रोत का पाठ जरूर करें, निसंदेह संतान सुख मिलेगा आपको। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छा समय है, फिर भी सोच समझकर ही निवेश करें, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सार्थक नहीं हो सकता है। काम के सिलसिले में आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है तो खर्च आपका बढ़ सकता है इस साल, परंतु ये साल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है गुरु के गोचर के देखते हुए। आइए अब धनु राशि की बात कर लें। यदि आपका लग्न और राशि धनु है तो इस समय गुरु लग्न भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर बारहवें भाव में संचार कर रहा है। अतः इस समय आर्थिक नुकसान का प्रबल योग बन रहा है। यदि विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, अतः अपना प्रयास संदर्भ में तेज कर दें। अगर बाहर जाना चाहते हैं पीआर के लिए या सेटलमेंट करने के लिए या आईलेट्स कर रहे हैं आप, तो प्रयास जारी रखिए, आपको निसंदेह सफलता जरूर मिलेगी इस वर्ष। घर में आपके परिवर्तन भी हो सकता है, यदि किराए के मकान में आप रह रहे हैं तो मकान चेंज कर सकते हैं, अपना नया मकान बनाने की भी आप इस वर्ष सोच सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम मकर राशि वालों की। अगर लग्न या राशि आपकी मकर है तो इस समय गुरु आपके लग्न भाव में भ्रमण कर रहे हैं, अतः इस समय घर में किसी शुभ कार्य में खर्च का योग बन रहा है।
लाभ स्थान में गुरु का संचार करना अपने आप में सुभता देने वाला है। गुरु गोचर के दौरान यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। इसमें सफलता मिलने के प्रबल चांस आपके दिख रहे हैं, अर्थात सर्विस, नौकरी पेशा और व्यावसायिक जातकों के लिए गुरु का गोचर शुभ फल देगा। इस साल आपकी प्रमोशन रुकी है तो प्रमोशन होगी, आपका सब कुछ मंगलमय होने वाला है। तो गुरु गोचर में घर विवाह में कोई नया मेहमान आ सकता है, यानी आपको संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। यही नहीं, यदि शादी की उम्र हो गई है तो शादी भी आपकी इस साल जरूर हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि आपका लग्न या राशि कुंभ है तो इस समय गुरु दूसरे और एकादश भाव का स्वामी होकर कर्म स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, अतः इस समय आपके कार्यों में आ रही रुकावट शीघ्र ही दूर हो जाएगी। आपके व्यवसाय में विस्तार होगा। व्यवसाय और नौकरी को लेकर आने वाले परेशानी अब जल्द ही समाप्त हो जाएगी। घर में एक नया सदस्य आपके जुड़ सकता है। यदि घर खरीदने की इच्छा कर रहे हैं तो मकान खरीदने के लिए कमर कस लें, लोन लें और आप मकान जरूर ले लेंगे। नई गाड़ी की अगर चाहते हैं तो नई गाड़ी भी आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर सबका सहयोग आपको जरूर मिलेगा, परंतु इस समय आपको ज्यादा ही फिलॉसफी देने लगेंगे कि अपने आप में बढ़ चढ़ कर बताएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस, तो इसे आप टकराव हो सकता है। तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अंत में अब बात करते हैं मीन राशि की। यदि आपका लग्न और राशि मीन है तो इस समय गुरु लग्न और कर्म भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, अतः इस समय स्वयं के कर्म से भाग्य निर्माण में सक्षम होंगे आप। भाग्य वृद्धि के लिए यह अनुकूल समय है। इस समय आप नए निवेश के माध्यम से अपने व्यवसाय में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। आपके कार्यों में आ रही रुकावट शीघ्र ही दूर हो जाएगी। आपके व्यापार व्यवसाय में विस्तार होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी और नए अवसर आपको मिलेंगी। यदि नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन और सैलरी में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। और धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस वर्ष बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, यह था गुरु का गोचर। हमने 12 राशियों और लग्न राशियों में देखा कि इस वर्ष जो गुरु है अपने मूवमेंट में जो आपकी ट्रांजिट करेगा वो आपको कैसा फल देगा और क्या उसमें अच्छे फल हैं और क्या बुरे फल हैं, वो सभी का हमने विस्तार से यहाँ पे व्याख्या की है। इसी तरीके से हम बाकी गोचर का भी देखेंगे वीडियो। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारी एंड्रॉयड ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमें वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी फेस्टिवल्स के, पूरे मुहूर्त के हमने ऐप में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताया है, तो आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।